So I am waiting for my registration process at the center of IMT interview. Let's see क्या होता है आगे. तो नर्वस हूँ बट इतना भी नहीं कि फट रही है. बट ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो ओके, सो माय इंटरव्यू इज़ ओवर. आई डोंट नो कैसा होगा बट लेट्स सी. सो हाय पीपल, मेरा इंटरव्यू हो गया यार. लाइक बहुत अमेजिंग इंटरव्यू तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि थोड़ा डाउट्स हुए मुझे. तो ओके, लेट मी हेल्प यू मोर विद आवर लाइक प्रॉपर प्रोसेस क्या हुआ. तो मेरा टाइमिंग वॉज 12:00 इन द नून. मुझे भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी जाना था. लाइक दिस इज नियर माई प्लेस ओनली, तो थोड़ा सा लाइक ट्रैवलिंग टाइम दैट वॉज गुड फॉर मी. तो यार वहाँ गया 12 बजे से पहले ही मैं पहुँच गया था. आई रजिस्टर अराउंड 11 ताकि मुझे थोड़ा सा पहले पैनल और मुझे पहले मेरा सीक्वेंस मिल जाए, क्योंकि फिर अगर लेट तक रुकता तो थोड़ा सा खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाता इतना देर से बैठा हूँ. तो दिस वाई, तो एक छोटा सा रिकमेंडेशन है कि अगर पहले जा सकते हो तो थोड़ा सा पहले पहुँचो. डू द रजिस्ट्रेशन एज सून एज पॉसिबल. वहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपको बोला मंगाया जाएगा, फोटोकॉपीज लेके जाइएगा. तो वो लेके जाइए, सबमिट एंड डू द रजिस्ट्रेशन. एंड आफ्टर दैट आपको एक रूम में लेके जाया जाएगा. वहाँ पे यू विल बी गिवन पेपर्स जहाँ पे आपको एक अपना वैट के बारे में लिखना है, वैट टॉपिक के बारे में. मेरा वैट टॉपिक वॉज लाइक साइबर एज इज अ बूम और बेन. साइबर एज अच्छा है कि खराब है, अबाउट दैट. तो इट वॉज अ प्रीटी ईजी टॉपिक, लाइक वॉट आई फेल्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. टॉपिक वॉज ईजी, उसमें मैंने अच्छे से पॉइंट लिखा. एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि डोंट पर्टिकुलरली गो फॉर वन पर्टिकुलर साइड, बूम और बेन. मैंने थोड़ा दोनों को मिला के लिखा कि इट्स बूम ऑल्सो इज बेन ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने कहीं पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछा था. दे इट वॉज जनरली अ टॉपिक, तो इस पर लिखना था. तो एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से मेरा मांगा नहीं जा रहा था, तो मैंने दोनों के बारे में लिखा. बट एट द कंक्लूजन आई हैव रिटन समथिंग कि हाँ, आई थिंक दिस इज दिस एंड दिस इज दैट. लाइक ऐसे मैंने करके दिया. तो माई वैट वॉज ऑल्सो गुड. एंड उसके बाद विद इन 10 मिनट्स आई वॉज कॉल्ड फॉर माई इंटरव्यू. तो इंटरव्यू के समय मेरे सामने दो पैनल मेंबर्स थे. वन वॉज अ सर हु वॉज आई थिंक इन हिज 40s, एंड वन वॉज मैम एंड सी वॉज ऑल्सो इन 40s. सो घुसते ही मैम आस्क्ड मी कि हाउ वॉज लाइक वॉट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर टूडे. तो आई जस्ट रिस्पॉन्ड कि मैम नॉट आई प्रिपेयर्ड अ लॉट बट आई डोंट नो अबाउट वॉट आंसर्स कैन वॉट क्वेश्चन कैन आई गेट, बट स्टिल आई थिंक आई कैन मैनेज ऑल देम. वेल दैट्स गुड टू नो. फिर मेरे बारे में पूछी, तो आई गेव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद मैम आस्क्ड मी लाइक इन माई इंट्रोडक्शन आई मेंशन्ड अबाउट माई यूट्यूब. आई लाइक यू गाइज नो आई हैव माई यूट्यूब चैनल. तो मैम आस्क्ड कि क्या बनाते हो, व्हाट आर यू प्लानिंग एंड एवरीथिंग. तो आई टोल्ड कि मैम मैं ऐसे वाले ब्लॉग्स बनाता हूँ ऑल लाइक दैट. आई मेंशन्ड समथिंग अबाउट दैट. देन मैम आस्क्ड मी अबाउट माई जीके, लाइक यार न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हो. तो लाइक गाइज प्लीज इसको ध्यान से सुन लो, अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो ना, डोंट से पढ़ते हो, वरना फिर दे विल आस्क मेनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द न्यूज़पेपर कि कौन बनाया, कब बनाया. तो इफ यू आर टेलिंग दैट, बी प्रिपेयर्ड विद दिस. आई वॉज वेरी लाइक ऑनेस्ट कि मैम आई डोंट रीड न्यूज़पेपर्स अ लॉट, बट येस आई गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स. एंड अगर कोई मुझे आर्टिकल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा तो आई रीड दैट इन डिटेल्स. तो जस्ट लाइक अभी फार्मर प्रोटेस्ट जो हो रहा है गाजियाबाद तरफ, तो उसके बारे में. तो मैम बोली ओके. तो अभी इंटरनेशनल न्यूज़ क्या चल रहे बड़े, तो आई टोल्ड अबाउट माई इंटरनेशनल न्यूज़ ऑल्सो. तो मैम मुझे लगा कि मैम इम्प्रेस्ड रही अबाउट दैट. देन थिंक देन सर स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चन. तो सर वॉज क्वाइट चिल एंड इवन मैम वॉज ऑल्सो चिल. देन सर इवन आस्क्ड मी कि आपके कोई फ्रेंड है क्या दिल्ली में बहुत अच्छे. तो आई मुझे हिंट लग गया था कि सर वॉज टॉकिंग अबाउट मिस्टर अरविंद केजरीवाल द CM ऑफ दिल्ली, बट मैंने बोला कि नहीं. तो इट वॉज अ गुड एंड आइस ब्रेकिंग मोमेंट. एंड देन सर आस्क्ड मी अबाउट माई वर्क एक्सपीरियंस. सो आई हैड अ वर्क एक्सपीरियंस, आई वर्क एट जोमैटो फॉर सम टाइम. तो सर उसी के बारे में मेरे से पूछे. तो सर ऑल्सो आस्क्ड 2-3 क्वेश्चन एंड आफ्टर सम टाइम देन आफ्टर एंड आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजिली, वेरी कॉन्फिडेंटली, इन अ गुड कम्युनिकेटर, इन अ गुड मैनर. तो आई थिंक सर वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाई मी. बट उसके बाद सर बोलते कि ओके यू आर गुड टू गो, इट वॉज अ नाइस मीटिंग यू. हम तो जब बाहर निकला तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि यार इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया. लाइक इसके पहले जब जितना मैं देख रहा हूँ, बाकी सब मैंने भी जो यूट्यूब सर्व किया तो सबका देखा कि यार 15 मिनट बोल रहा है, कोई 20 मिनट बोल रहा है, बट मेरा अराउंड 8-10 मिनट्स हुआ. और मेरे पहले का भी 8-10 मिनट्स, मेरे बाद का भी 8-10 मिनट्स. माइट बी कि थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ टाइम हो रहा होगा, माइट बी, आई एम नॉट श्योर. बट एक होता ना, एक सिक्स सेंस बोल रहा है कि हो जाना चाहिए. सो होपिंग फॉर द बेस्ट एंड जस्ट इन केस 3-4 छोटी छोटी चीज नहीं करेगा. आई हैव सीन सम पीपल जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके चले गए थे. डोंट ब्रिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, बट उन लोगों ने फोटो कॉपीज मंगाया था.
फोटोकॉपीज लेके जाइएगा, डोंट फॉरगेट द राइटिंग पैड अ पेन ऑल्सो, कुछ कुछ दिन पेन के बिना आए थे. एंड वन थिंग व्हाट आई फेल्ट कि देयर वर फ्यू बॉयज जो बिना टाई के आए थे, तो यार थोड़ा सा लाइक इन एमबीए, इवन आई टॉक विद माय सीनियर्स हु आर डूइंग एमबीए, तो दे प्रेफर पीपल विद टाई, विद अ सूट, विद अ प्रॉपर ब्लेजर एंड एवरीथिंग. तो वो थोड़ा सा एक ये चीज ध्यान रखिएगा. एंड बाकी तो आई थिंक थोड़ा सा बस कॉन्फिडेंस एंड अ गुड कम्युनिकेटर, अच्छे से बात करिए एंड बी ऑनेस्ट. आई नो कोई मेरा व्यू पूछा नहीं, बट स्टिल आई एम जस्ट, मैंने किसी को अगर हेल्प किया तो इट्स वेरी नाइस, इट वॉज लवली कनेक्टिंग विद यू ऑल. चलो एंड प्लीज यार मेरे लिए भी प्रे करना कि मेरा हो जाए IIMT में, IIMT गाजियाबाद. ओके सो बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. सो आई होप पसंद आया होगा आपको ये थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन, लगा कुछ भी लगा, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.